महाराष्ट्राचा आवाज आपल्या हक्काचा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी रविवारी उल्हासनगराला भेट दिली। भेटी दरम्यान शहरातील समस्या जाणून घेतल्या व ते लवकरात लवकर सोडवण्याचे आश्वासनही दिले। कॅम्प क्रमांक 5 मधील लालसाई संघटनेच्या व्यापाऱ्यांनी त्यांची भेट घेऊन त्यांच्या समस्या सांगून निवेदन दिले। व्यापाऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनात 5 क्रमांकावर असलेले गगनचुंबी डंपिंग ग्राउंड लवकरात लवकर हटवावे, जेणेकरून शहरातील रहिवाशांची दुर्गंधीपासून सुटका होईल असे म्हटले आहे। तीच दुसरी समस्या जी खूप गुंतागुंतीची आहे ती म्हणजे जीन्स कारखान्यांचे कलरचे काम जसे येथे केले जात होते ते आज पुन्हा सुरू केले पाहिजे, जेणेकरून व्यावसायिकांना मुक्तपणे व्यवसाय करता येईल। बाहेरून वॉशिंग करून घेण्यास खर्चाबरोबरच जास्त वेळ लागत आहे आणि उल्हासनगर हे पैशासाठी चांगले मूल्य प्रदान करण्यासाठी ओळखले जाते। जय झूलेलाल सभी भाइयों को। जैसे कि सवेरे मॉर्निंग में अनुराग ठाकुर जी यहाँ स्वामी शांति प्रकाश आश्रम में भी आए, हमने यहाँ पर भी इनका स्वागत किया। साई कालीराम के यहाँ पर भी गए, वहाँ पर भी हम उनसे मिले। थर्ड जो विषय था हमको उनसे मिलने का, उनको लेटर देना था। उल्लासनगर में जो समस्याएं चल रही है आज, जैसे कि डंपिंग ग्राउंड इतनी बड़ी समस्या है, कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है, कोई आगे नहीं आ रहा है, कोई किसी काउंसिलर को किसी को आना चाहिए आगे, कोई नहीं है इसी विषय में भाई। उनको वो हटना चाहिए। मैं बोलूँगा, सबको बोलूँगा कि आप खाली वहाँ पर जाके 15 मिनट आप रुक के दिखाओ, डंपिंग ग्राउंड के आसपास रुक के दिखाओ, आप 15 मिनट में बीमार हो जाओगे। पर किसी का भी ध्यान नहीं है। वहाँ ग्राउंड नहीं बोलोगे, वहाँ पर पहाड़ बन चुका है, डंपिंग पहाड़। तो उसी विषय में उनको हमने वो भी बताया अनुराग ठाकुर जी को। और दूसरी बात, यहाँ से जीन्स का जो हमारा कारोबार कहीं ना कहीं कम होने जा रहा है, हो रहा है। रीज़न, जब से जीन्स वॉशिंग बंद हुआ है तो आज हमने लिखित में उनको शिकायत दी है भैया, कहीं ना कहीं ये जीन्स वॉशिंग जो बंद हो रही है वो भी चालू होना चाहिए और डंपिंग ग्राउंड ना है। आज दो मसले मैंने ज़्यादा नहीं, ठीक है नहीं लेते हुए उनसे पर्सनल बात भी की, उनको खुद सुनाया, आप भी थी सामने सुनाई, और उनको लेटर भी टाइप करवा के दे दिया। आप देख सकते हो लेटर कन्फर्म। जब मैंने उनको बताया सामने ये प्रॉब्लम है सर, हमको ये करना है, उसके बाद ऑन द स्पॉट में लेटर पैड नहीं लेके गया था, ऑन द स्पॉट में लेटर टाइप करवा के उनके पास गया। उनको इतना दिमाग में था, उनको याद आ गया, अभी आप बता के गए और लेटर भी टाइप करवा के। मैंने बोला हाँ करवा के आया, ऑन द स्पॉट टाइप करवा के उनको अपनी लिखित शिकायत दी है। उन्होंने बोला जरूर गौर करेंगे आपकी इस शिकायत को। तुमच्या परिसरातील काही घडामोडी किंवा समस्या असतील तर आमच्या वृत्तवाहिनीला संपर्क करा आणि तसेच सतत अपडेट राहण्यासाठी आमच्या वृत्तवाहिनीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका।